वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल चेक लोन जॉब। स्टूडेंट इसमें बात करने वाले हम बीएस नर्सिंग फर्स्ट ईयर बुक्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर बीएस नर्सिंग फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक्स पढ़े। बुक्स तो आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारे ढेर लग रहे होंगे, बट आपको कुछ स्पेसिफिक बुक पढ़नी है जो आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से डायग्राम हो उसमें, अच्छे से डेफिनेशन दी हुई हो, ये सारे आपके लिए ईजिली होता है पढ़ना। स्टूडेंट ये तो आपको मालूम ही होगा कि बीएससी नर्सिंग में केवल सोल्ड पेपर पढ़ के भी पास हुआ जा सकता है अच्छे प्रतिशत के साथ, बट आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, जानकारियाँ बढ़ाने के लिए, कंपटीशन फाइट करने के लिए तो ये बुक से पढ़नी पड़ेगी आपको। और कौन सी बुक पढ़नी है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कौन सी बुक पढ़नी है आपको, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री में कौन सी बुक पढ़नी है, नर्सिंग फाउंडेशन जो है उसके लिए आपका प्रैक्टिकल भी होता है इसमें तो उनके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, साइकोलॉजी में कौन सी बुक पढ़नी है और माइक्रोबायोलॉजी में कौन सी बुक पढ़नी है जो आपको बेटर बना सके और आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ा सके। तो चलिए स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं इन सभी जो सब्जेक्ट है इनकी बुक्स की। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्टूडेंट बीएस नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो आपको बुक्स लेनी है वो कौन से राइटर की लेनी है, वो लेनी है आशालता राइटर की। बहुत अच्छी बुक है स्टूडेंट, बहुत अच्छे डायग्राम है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है। और आप डायग्राम देखोगे ना, आधे क्वेश्चन तो वहीं सोल्व हो जाएंगे, आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं सोल्व कर देंगे डायग्राम, क्योंकि दिए हुए इतने कलरफुल है कि आपको जैसे देखोगे वैसे ही आपकी इमेजिनेशन बन जाएगी माइंड में। स्टूडेंट इस बुक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और आपके अगर नोट्स भी नए बने हुए तो कोई दिक्कत नहीं, इस बुक्स नोट्स के हिसाब से बनी हुई है, आपको नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट आप इस बुक्स के पिक्चर को अच्छे से देख लें ताकि आप सही बुक ले पाएँ और किसी गलत बुक के चक्कर में ना पड़े। तो थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि स्टूडेंट आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बीएस नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए आशालता राइटर की बेस्ट बुक, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई गलत बुक परचेज ना हो। सो स्टूडेंट अगर आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक्स खरीदना चाहते हैं तो यही आपको खरीदनी है। इसको चाहे तो आप किसी मार्केट से खरीद सकते हो या फिर अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बुक की। नेक्स्ट हमारी बुक है माइक्रोबायोलॉजी, जो कि सीपी बावेजा राइटर की है और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी बीएस नर्सिंग फर्स्ट ईयर वालों के लिए। स्टूडेंट इसमें बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगाई की अलग अलग यूनिट दी हुई है और बहुत अच्छे से इसमें समझाया हुआ है विथ डायग्राम। स्टूडेंट डायग्राम से जितनी आपको समझ में आती है ना उतनी आपको लिखित राइटर में चीज़ें इतनी ईजिली आपके माइंड में नहीं घुस पाती, इसलिए डायग्राम के साथ कोई भी बुक हो बहुत अच्छी रहती है। सो स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी की जो डॉक्टर सीपी बावेजा राइटर हैं वो बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे डायग्राम और जो कल्चर और कल्चर मीडिया है वो भी बहुत अच्छे से इसमें समझाया हुआ है, आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि राइटर बहुत अच्छे हैं और इनकी बुक बहुत अच्छी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसको मार्केट से जब भी जाओ तो ये राइटर का नाम अवश्य ले लेना। कि स्टूडेंट चाहे तो आप इसको मार्केट से खरीद सकते हो या फिर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप अमेजोन से ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बुक की। नेक्स्ट बुक है हमारे स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री की। अगर स्टूडेंट आप न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री की बुक लेना चाहते हैं तो आपको कौन से राइटर की लेनी है, वो लेनी है हरबंस लाल की। बहुत अच्छे राइटर है और इनकी बुक बहुत ही अच्छी है। बायोकेमिस्ट्री में जो साइकिल्स होती है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। हरबंस लाल आपको याद रखना है राइटर का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट ये चाहे तो आप ये बुक लाइब्रेरी से भी परचेज कर सकते हो, बट लाइब्रेरी में कुछ सप्ताह भर का टाइम होता है, उसके बाद वापस रिटर्न करनी होती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो किसी मार्केट से आप खरीद सकते हो, अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, याद रखें बायोकेमिस्ट्री के लिए हरबंस लाल राइटर। चलिए स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बुक की। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी, इसके लिए आपको कौन सी बुक खरीदनी है ये हम जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं साइकोलॉजी के लिए है आर श्रीवानी। स्टूडेंट इसके लिए दो बुक बेस्ट है, एक तो है ये आर श्रीवानी वाली और एक जो हम बात करने वाले हैं वो है बाटिया एंड क्रेज की, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों बेस्ट बुक है। स्टूडेंट आप जो स्क्रीन में देख रहे हो ये है बाट एंड क्रेजेस की साइकोलॉजी की बेस्ट बुक, ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर स्टूडेंट आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आप चाहे तो साइकोलॉजी को हिंदी में भी पढ़ सकते हो। स्टूडेंट ये जो बुक है आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर या फिर आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बुक की।
नेक्स्ट हमारी बुक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग फाउंडेशन। इसके लिए जो बेस्ट बुक रहेगी वो है आरसी नैन्सी राइटर की। स्टूडेंट बहुत अच्छी बुक है ये, प्रैक्टिकल के हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि आपके नर्सिंग फाउंडेशन में प्रैक्टिकल जो होता है उसके लिए भी तो आपको पढ़ना पड़ता है ना, तो इसी में आपका काम बन जाएगा। सो स्टूडेंट ये तो हमने कर ली बुक्स के बारे में बात, अब नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, ताकि आपकी परेशानियाँ दूर हो सके।